हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं कुछ खास कुछ बोलने आई हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, जो यूज़ करके मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है। मैं उसके बारे में दो चार शब्द करना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे ऐसा है कि स्किन में हमारे टू टाइप का स्किन हम लोग यूज़ करते हैं। एक है कॉस्मेटिक टाइप, जिसे जिसमें है कलर, जैसे हो गया काजल, लिपस्टिक एक्सेट्रा, बिंदी वगैरह। और मेन स्किन केयर के लिए है बहुत कुछ, जैसे पॉन्स हो गया, लैक्मी हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो इसमें मैं इन दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। ये दोनों बहुत सिंपल और कॉमन रेंज मिड मार्केट प्रोडक्ट है, जिसे हम हर एक कॉस्मेटिक की दुकान में हमें उपलब्ध कर सकते हैं या पा सकते हैं। इस इज वेरी मोस्टली अवेलेबल एनी कॉस्मेटिक शॉप। Firstly, this is very old white tone powder, at least minimum 10 years, 10 साल से ये white tone powder हमें market में use कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो launch किया हुआ है वो है white tone ये sunscreen, ये soft and smooth cream। इनका use हमें पता है, ये soft एक powder है like talcum powder, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेंटल है, सॉफ्ट है ये पाउडर। इसका यूज़ से हमें फ्रेशनेस मिलता है, बहुत लॉन्ग टाइम ऑयल फ्री रहता है हमारा स्किन, बहुत लॉन्ग टाइम ऑयल फ्री रहता है इसे यूज़ करने से। स्पेशली समर सीजन हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, इतने अच्छा सॉफ्ट एंड जेंटल है। और जो नया मार्केट में आया है, जो मैं बताना चाहती हूँ, ये है वाइट टोन का एक सॉफ्ट स्मूथ क्रीम। ये क्रीम इंडिया में हर एक जगह अवेलेबल है, दिस इज मोस्टली अवेलेबल इंडियन एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक शॉप, बिकॉज इट इज़ वेरी अवेलेबल, वेरी मच इजीली अवेलेबल। दिस इज द क्रीम। इस क्रीम से फ़ायदा ये है कि आपका मोस्ट ऑफ द स्वेटनेस और जो प्रेस्पिटेशन होता है, जो पसीना होता है, ये कम होता है। जिन्हें हमें पसीने की बहुत लगाव है, कि पसीने थोड़ा से पसीना हो जाता है, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, उनके लिए ये क्रीम बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि समर सीजन में हम कुछ भी लगा नहीं पाते हैं, तो हम इस पाउडर से इसका काफ़ी बेनिफिट इसका मिलता है। अगर हम दोनों का कम्बिनेशन एक साथ यूज़ करें, पहले इनका यूज़ करें, उसके ऊपर इसका थोड़ा सा टच ऐसा लगा लेते हैं, तो इनका फ़ायदा कुछ ज़्यादा होता है। इससे लगाए या इस पर्प से लगाए, वाट एवर कुछ भी लगा सकते हैं, इनसे भी लगा सकते हैं, इफेक्ट दोनों का ही अच्छा होता है, नॉट बैड। तो डियर फ्रेंड्स, इसका ये इस्तेमाल का यूजर्स का जो तरीका है, ये फेस वॉश जो भी है उससे आप अपना चेहरा धोएं, और अगर समर सीजन है, बहुत गर्मी है, जलन हो रही है, तो इससे पहले ठंडा पानी में दो बूंद डालकर साफ चेहरा कर ले अच्छी तरह से, एकदम ठंडा कर ले स्किन को, थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। उनके बाद आप इस क्रीम का थोड़ा सा बारीकी से, ज़्यादा नहीं, चेहरे के लिए ये काफ़ी है, सिर्फ चेहरे के लिए। अगर आप हाथ पे या अपने गले के साइड में लगाना चाहती हूँ, वो दिस इज अनदर थिंग, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लगा के आपको दिखा रहे। देखिए, वाटरी एक पार्ट है, कभी आप इसे यूज़ करके देखिएगा, आपको पता चलेगा एक ठंडक सा महसूस हो रहा है, लाइक एलोवेरा जेल। दिस फीलिंग इज लाइक एलोवेरा जेल, दिस इज़ वेरी माइल्ड एंड दिस इज़ वेरी कूल। इस सबके लिए अच्छा है, कोई भी स्किन में रिएक्ट नहीं करता, स्किन एलर्जी नहीं होता, हमने तो कभी नहीं देखा इसे कोई एलर्जी होते हुए, क्योंकि इनका जो साधन है, जो इन्ग्रीडियंट्स है, ये काफ़ी सिंपल है, लाभदायक भी है। इनका आप देखिए, हमने लगा लिया, देखिए कितनी अच्छी तरह से स्किन के साथ ये एकदम घुल मिल गया, और कितना साफ सुथरा सा लग रहा है, एक क्लीनलीनेस है, एक हाइजीन सा लग रहा है, कि हाँ साफ चेहरा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहो, एज ए विश, अगर आप चाहो तो इनका यूज़ करके देखो। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है हर एक के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे यूज़ कीजिएगा और मुझे एक थैंक यू बोलिएगा।